हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज का ब्लॉग शूट करेंगे हम। तो आज हम जा रहे हैं पौड़ी। तो अब मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है सुबह से। अभी देखते हैं कब निकलते हैं हम। थोड़ा मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा, उसके बाद जाएंगे। वेट करें थोड़ा। हम निकल चुके हैं पौड़ी के लिए और वेट कर रहे हैं टैक्सी का। भैया के साथ हमने जाना है, बिकॉज सारी बसेस तो यात्रा पे जा रही है, तो उनकी जो टैक्सी है वो फोन पे जा रही है, तो हम उनके साथ ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टैक्सी आ गई, इसमें जाएंगे हम। बारिश हो रही है, तो अभी हम थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद थोड़ा बारिश कम हो जाएगी, फिर निकलेंगे यहाँ से। वो बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो फिलहाल हम चलते हैं। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, ठंड से बहुत बुरी हालत हो रही है। फिलहाल बारिश तो रुक गई है और मौसम ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं ये सतपुली मार्केट के पास। तो ये पूरा जो दिख रहा है वो है सतपुली मार्केट। हैं 12:30 और हम पहुंच चुके हैं पौड़ी। पौड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी अगर समर वेकेशन में पहाड़ आने की सोच रहे हैं, तो अपने साथ स्वेटर कैरी ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाएगी। और बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, देख सकते हो मौसम। वाव, देख सकते हो आप पौड़ी का व्यू। हाँ, तो अभी जा रहे हैं हम टेम्पल। पता नहीं कौन सा टेम्पल है, मेरे भाई को पता है, तो लेके जा रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ आज यहाँ, तो अभी हम टेम्पल जा रहे हैं, देखते हैं आगे टेम्पल कैसा है। ये अभी जा रहे हैं ऊपर मंदिर। अब हम जा रहे हैं कंडोलियम टेम्पल, जो कि पौड़ी में है। देख सकते हैं ये पार्क है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी ये। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। रात हो चुकी है काफ़ी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट शायद ऊपर कुछ उजाला हो। यहाँ पे थोड़ा सूज निकाल लेते हैं। आए हम टेम्पल कंडोलिया। जय भोलेनाथ।
पे लाइट्स वगैरह सब लगी हुई है। शांति मिल रही है यहाँ पे आके, और यहाँ से पौड़ी का जो व्यू है ना बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जब आपको पौड़ी देखना हो तो इस मंदिर पे ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे इससे पौड़ी का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है पौड़ी। और से ठंडी ठंडी हवाएं बोले शायद इधर से दूसरा रास्ता कहीं जाता होगा, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर ही आ रहे हैं, इधर ही रहेंगे अभी। वाह, मतलब मैं फैन हो चुकी हूँ यहाँ की, मन मोह लिया इस मंदिर ने इस जगह ने। और आप भी पौड़ी आओगे तो ज़रूर जाना यहाँ मंदिर में, क्योंकि गेट के एग्जिट पर स्टेप पार्क है, पार्क है जहाँ पे भी अंदर काफ़ी भीड़ हो रखी है और बहुत सुंदर पार्क है, लाइट्स वगैरह लगी है और अच्छे बच्चों के लिए खेलने के लिए एक्सरसाइज के लिए, और वहाँ पे कैंटीन भी है बगल में तो ये देख सकते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 7:30 और हम अभी तक यही है, अभी रूम पे जाने के लिए हमें एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत था और रूम हमारे बहुत नीचे है। तो यहाँ पे टैग भी है कि आई लव पौड़ी, और ये बहुत सुंदर पार्क है, इसके अंदर नहीं जा रही क्योंकि अभी हमें लेट हो रहा है। तो अभी हम पहुँचे हैं पौड़ी के कंडोलिया के पास, जहाँ से अभी दिखाई दे रहा है कि जो रिसेस है वो है 114 किलोमीटर, और आदमाणी फॉरेस्ट है जो वो 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और खिटसू 20 किलोमीटर, और रासी स्टेडियम है जो 1 किलोमीटर दूर है जो हम अभी गए थे इधर को इस साइड को। तो अभी हम जाते हैं अपने रूम के साइड को जहाँ हमने रूम ले रहे हैं। अभी यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है रिकॉर्ड में, बारिश होने की संभावना भी है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने रूम की ओर, काफ़ी लेट हो चुके हैं और हम थक भी चुके हैं सुबह से ट्रैक करते करते, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी हम चलेंगे नीचे को, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है ऊपर टॉप से। गंडोला का जो टेम्पल था वहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता था बॉडी, क्योंकि वो टॉप पे था और नीचे पूरा बॉडी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था हमें, और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं। अब चलिए थोड़ा डिनर करने, रात के बज गए 9:30 और अपने और मेरे भाई गए हैं डिनर करने, तो हम आए फैमिली रेस्टोरेंट। तो ये हम पहुंच गए हैं फैमिली रेस्टोरेंट में जहाँ हमने अभी डिनर किया, तो अब हम एंड करते हैं ब्लॉग को। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।